आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक खुशी की बात है, आप बॉक्सर सागर नरवत को जानते होंगे। इन्होंने फरीदाबाद का नाम पूरी दुनिया में चमकाया है। अब इन्हीं की शिष्या हैं अनमोल, इन्होंने भी कमाल कर दिया है। इनका भी सिलेक्शन वर्ल्ड सब जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। आप बॉक्सर सागर नरवत ही इनको ट्रेन करते हैं, तो थोड़ा सा इनकी कामयाबी को हम शेयर करेंगे, इनकी खुशी को भी शेयर करेंगे। बॉक्सर जी, सबसे पहले आपको बधाई सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत खुश हुई हमारी। करते हैं आप बिल्कुल। क्या खुशखबरी है सागर जी? अपनी बेटी है, मॉर्निंग में हमारे पास आती है फिटनेस के लिए, क्योंकि हर गेम कोई भी हो फिटनेस बहुत जरूरी है, तो स्टेमिना फिटनेस के लिए सुबह हमारे पास आती है और काफ़ी करती भी, दिल लगा कर मेहनत भी। तो इतना तो हमें पता ही था कि एक दिन ये कोच बढ़ाई करेगी कुछ, लेकिन अभी और इसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है। तो फाइनली इसने अपना इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है ट्रायल क्लियर कर दिया, जो भी हैदराबाद में हुआ था। तो अब ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए जाने वाली है नवंबर में थाईलैंड। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सब भी अपनी दुआएं ऐसी बनाए रखना कि मेरी बेटी जब जाए तो वहाँ से गोल्ड लेकर ही आए वापस। दादा जी, पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप शायद कई देशों में तमाम पदक जीत चुके हैं। हाँ जी, मैं खुद WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल हूँ। इस टाइम भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 चल रही है, अभी भी मैं खेल रहा हूँ, तो अभी भी कंटिन्यू अभी भी परफॉर्मेंस आ ही रही है। सो अभी भी एक नंबर मेरा बना हुआ है इंडिया में, ऑल इंडिया रैंक 1। और अभी मेरे साथ में और भी मेरे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोई नेशनल लेवल पर जीत रहा है, कोई स्टेट लेवल पर जीत रहा है। तो दुनिया के किस किस बड़े पहलवान को आपने धूल चटाया है? मैंने जैसे फिलीपींस में आयरन मैन को मारा था, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया जीत के आए थे, फिर उसके बाद अब थाईलैंड में भी जीत चुके हैं, अभी इंडिया में भी, अभी हाल ही में लड़का नेपाल का था तो उसके साथ अभी मेरी फाइट हुई थी, तो मैंने WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था। अभी बहुत जल्दी बड़ी न्यूज़ भी कोई आने वाली है कि शायद अगले महीने लीग हो, जो वर्ल्ड लेवल पे लीग हो रही है उसमें मेरा नाम शामिल होगा। और अभी हाल ही में सिंगापुर से ऑफर आया है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप। बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, तो थोड़ा सा बताइए ट्रेनिंग कब शुरू होती है, उसका प्रोसेस क्या है, ये बताइए। हम सुबह 5 से 7 ट्रेनिंग करते हैं, तो सुबह मेरे पास बच्चे एग्जैक्ट 5 बजे पहुंच जाते हैं। तो भले ही वो लड़की हो चाहे लड़का, मेरा एक फिक्स टाइम है कि मुझे शार्प बच्चा 5 बजे ग्राउंड पे चाहिए। जो ज़्यादा लेट हो जाता है 5-10 मिनट, तो उसे हम वापस भेज देते हैं, क्योंकि हमारे गेम के अंदर जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा 5-6 मिनट भी अगर नहीं समझेगा इन चीज़ों को, तो आगे टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। तो इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए हमने अपना जो मॉर्निंग का टाइम 5:57 रखा कि तब सब मेहनत कर सकें, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, कोई ऑफिस जाने वाला होता है, तो उससे यही होता है कि बच्चों को टाइम की वैल्यू पता चलती है और वो टाइम पे आते हैं। तो मेरा 5-7 सेक्टर 12 स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ रोज़ सुबह, और शाम को 5 से 7 मैं करवाता हूँ। जो सुबह 5 से 7 वाली ट्रेनिंग होती है वो टोटली फिटनेस की होती है, जिसके अंदर सभी गेम के बच्चे होते हैं, सिर्फ बॉक्सिंग के नहीं। क्योंकि जो फिटनेस होती है वो मैं ये ध्यान में रखते हुए करवाता हूँ कि वो सभी गेम्स पे उसका प्रभाव पड़े, मतलब कि ऐसा किसी बच्चे को इंजरी ना हो और वो फिट रहे बच्चा, उसका स्टेमिना इम्प्रूव हो। तो मॉर्निंग में मेन हमारा जो है स्टेमिना इम्प्रूवमेंट का काम होता है, साथ में उसकी फिटनेस का। इवनिंग में हमारा अपना खुद का बॉक्सिंग शेड्यूल चलता है, उसके अंदर केवल बॉक्सिंग वाले बच्चे होते हैं। चलो इनसे बात कर ले रहे हैं आपके क्लब में। हाँ जी, क्लब में कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्लब में लगभग 65 के करीब बच्चे हैं जो भी फिलहाल हाल ही में ट्रेनिंग ले रहे हैं। देश के हर भाग से मेरे पास बच्चे आते हैं, अंदर मैंने हॉस्टल की फैसिलिटी कर रखी है, तो तमिलनाडु से, चेन्नई से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, तो लगभग पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और फरीदाबाद के सबसे ज़्यादा हैं। तो अपना यहाँ का एड्रेस बताइए सर। मेरा सेक्टर 86 में ये बुढ़ेना गांव के साई मंदिर के पास मेरा अपना ये बॉक्सिंग क्लब है। तो कभी भी किसी को मेरे से संपर्क करना चाहते हो तो मेरा खुद का बॉक्सिंग क्लब सागर नरवत बॉक्सिंग क्लब आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो और गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। ये नंबर लिखा है आपने 7? हाँ, नंबर भी लिखा हुआ है 7981 9343 7981 9343 मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी बात कर सकते हैं, तो फिट रहेगा इंडिया जब हिट होने का। ठीक है सर, धन्यवाद। थोड़ा इनसे बात करते हैं। अनमोल जी बधाई। धन्यवाद। मारा तो बेटा आप? मैं सेक्टर 16 फरीदाबाद। यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करते हो आप? कितनी एज? अभी 15 साल है, जनवरी में 16। अभी यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करते हो आप, किस चीज़ की? अभी यहाँ फिजिकल फिटनेस ही करती हूँ। गेम कौन सा खेलती है? बैडमिंटन। अच्छा, अभी ये जो आपका कंपटीशन होगा वो कब होगा, कहाँ पर होगा? वो 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा, और वो थाईलैंड में होगा। थाईलैंड जा रही हैं आप? वीजा वगैरह बन गया सब? वो गवर्नमेंट ही लगवा के देगा सारा। अच्छा, वीजा। अच्छा, और सारी फैसिलिटीज। चलो वहाँ से गोल्ड जरूर ले आना आप। ठीक है,
चलो बधाई हो आपको। थैंक यू। ठीक है जी, तो देख सकते हैं ये बॉक्सिंग क्लब है, पूरी फैसिलिटी आपने रख रखी है यहाँ पर, मुक्केबाजी वगैरह की है। ये सब क्या है थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा लोगों को समझाइए, आपने हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पर बना रखी है। अपना जो पंचिंग है वगैरह हुए जिन पे बच्चा अपना कैसे यूज करते हैं इन पे, जैसे हम अपने बच्चे करते हैं, ये तो हमारा अपरकट बैग है जो जिसपे बच्चा नीचे से ऊपर की ओर मारता है, इस पे हम अपना सीधे पंच मारते हैं, सारे पंच यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। और ये बाकी मैंने अपना पूरा जिम वगैरह भी बना रखा है, पूरा जिम का सामान रखा हुआ है, उस रूम में अपना ट्रेडमिल वगैरह रखा हुआ है बच्चों के लिए जो दौड़ते वगैरह। अच्छा अच्छा। और ये बाकी अपना पूरा जिम का सेटअप करा हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है बॉक्सर सागर नर्वस से, तो बहुत बढ़िया ये बॉक्सर भी रहे हैं, हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था है। नंबर भी इन्होंने बता दिया है, सेक्टर 86 में है, फरीदाबाद में बिल्कुल सेंटर में है, बहुत अच्छी जगह पर है, तो आप लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।